प्रथम तहलका न्यूज और अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हां, अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अंबाला में लगातार कोरोना का कहर बरप रहा है और आपको बता दें कि शनिवार को कोरोना के 42 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां अंबाला में लगातार कोरोना का कहर बरप रहा है और शनिवार को कोरोना के 42 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 25 मरीज अंबाला शहर से हैं तो 13 मरीज अंबाला कैंट से सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां अंबाला में लगातार कोरोना का कहर बरप रहा है और कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो अंबाला से आ रही है। आपको बता दें कि जिले में 100 के पार पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अंबाला में लगातार कोरोना का कहर बरपता जा रहा है और अब ये लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। और आपको बता दें कि जिले में अब 100 के पार एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि 42 नए मामले सामने आने के बाद अब जिले में कोरोना के 112 एक्टिव मरीज हो गए हैं। 112 एक्टिव केस हो गए हैं, 112 एक्टिव मामले यहां पे हो गए हैं। आपको बता दें कि अंबाला में लगातार कोरोना का कहर बरपता जा रहा है और शनिवार को 42 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 25 मरीज अंबाला शहर से हैं तो वहीं 13 मरीज अंबाला कैंट से सामने आए हैं। आपको बता दें कि जिले में अब मरीजों की संख्या का जो आंकड़ा है, एक्टिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा है, वो 100 के पार पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि जिले में 42 नए मामले सामने आने के बाद अब ये एक्टिव मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है और अब ये संख्या 112 पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है। मेरे को जो लैब से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 42 नए केस पॉजिटिव आए हैं। 42 नए केस पॉजिटिव आए हैं और 20 जो पुराने केस हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो एक्टिव केसों में 22 केसों की बढ़ोतरी हुई है और आज कल 90 एक्टिव केस थे, आज बढ़ के वो 112 हो गए हैं। और जो कुल केस है आज 495 केस हैं टोटल, और आज तक 377 केस डिस्चार्ज हो चुके हैं और 6 की डेथ हुई है। और जहाँ तक अलग अलग एरिया की बात है, आप आज अंबाला सिटी से 25 केस आए हैं, अंबाला कैंट से 13 केस आए हैं और चोरमपुर एरिया से 4 केस आए हैं। टोटल ये 42 केस हैं और आज मैक्सिम जो दो चैन के अंबाला कैंट में एक लेडी एक्सपायर हुई थी, उसके जो क्लोज रिलेटिव हैं वो पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 8 पॉजिटिव आए हैं। और यहाँ से कपड़ा मार्केट से भी लगभग 23 नए हिस्ट्री है पानी, इनमें मैक्सिम सारे सबकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले हैं। जो लेडी जिसकी मृत्यु वहाँ पे पंचकुला में हुई थी, उसके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो 8 पॉजिटिव आए हैं। और जो कपड़ा मार्केट से जो एक चैन चली हुई है उसके जो 23 हैं वो पॉजिटिव। साथ ही साथ मैं आप सभी को सूचना देना चाह रहा हूँ कि आज से हमने एंटीजन बेस्ड जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट कर दी है। एम्बुलेंस में जाके अलग अलग एरिया से हमारी टेस्टिंग हो रही है। अभी तक जो ये 42 पॉजिटिव आए हैं, इनमें 2 पॉजिटिव उसी जो एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग से, जो हमने कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग करते हैं और अलग अलग एरिया में जाके टेस्टिंग हो रही है, तो उसमें 2 पॉजिटिव, एक दुर्गानगर से एक अंबाला कैंट से जो पॉजिटिव आए हैं वो इसी टेस्टिंग के जरिए पॉजिटिव आए हैं। ये हम 15 मिनट में हमारे उसी टाइम पे जिसका भी सैंपल लेते हैं उसको 15 मिनट में रिपोर्ट दे के भेजते हैं कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सर, अंबाला में आज सबसे ज़्यादा आंकड़ा आज तक का अंबाला में रहा है, क्या कुछ एहतियात बरते जाएंगे इसके चलते? जो भी है अभी हम कपड़ा मार्केट से कल भी आज शाम को 5 बजे भी हमारी टीम सैंपल लेगी, हमने लाइन लिस्ट कर दी किन किन दुकानों के सैंपल लेने हैं। दूसरी है कि जो पुरानी कपड़ा मार्केट है जो बिल्कुल बस स्टैंड के सामने है, आपको पता है काफ़ी तंग गलियाँ हैं, तो वहाँ पे भी हम संडे के दिन यानी कल हमारी टीम वहाँ पे जाकर सैंपलिंग करेगी। और जितने भी कंटेनमेंट जोन है जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है उनमें जाके हम एंटीजन टेस्टिंग हम टीम में बना ली है। और इसी तरह से नारायणगढ़ में है, नारायणगढ़ में हम पूरे के पूरे उसको
कवर करने की कोशिश करेंगे कि नारायणगढ़ में क्यों एक पीछे चैन चली थी, उसके भी 15 केस एक ही चैन के पॉजिटिव आए थे, तो ताकि आगे संक्रमण ना चले। तो ये है कि हम संक्रमण प्राइमरी दौर में ही पकड़ रहे हैं और जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनके आसपास के भी सैंपल ले रहे हैं, जो वो नेगेटिव आ रहे हैं उनके इमीडिएट जो कॉन्टैक्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको हम अच्छे फैसिलिटी में आइसोलेट कर रहे हैं या मेडिकल कॉलेज मुलाना में या मिशन अस्पताल में आइसोलेट कर रहे हैं।